क्वेश्चन नंबर तीन, पहला क्वेश्चन, श्रेणी दे रखी है 2 - 5/2, 3 और 7/2, तो इसका प्रथम पद होगा a बराबर 2, इसका सार अंतर होगा d बराबर दूसरा पद a2 - a1 यानी 5/2 - 2, इसके नीचे लगाएंगे बटा 1, इनका एलसीएम लेकर इनको घटाएंगे तो एलसीएम आएगा 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 माइनस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 4, 5 में से 4 को घटाएंगे तो ये मिलेगा 1/2, फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे a2 - a3 - a2 तो ये होगा 3 - 5/2, 3 के नीचे 1 लगाकर इनका लेंगे एलसीएम, इनका भी एलसीएम 2 मिलेगा, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 और ये मिलेगा 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1/2। तो इस प्रकार से सार्वंत्र समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एपी है। अब यह एपी है तो इसके जो अगले 4 पद हैं वो ज्ञात करने हैं, मतलब इसमें 4 पद दे रखे हैं और हमें ज्ञात करना है, एक तो 5वां पद ज्ञात करना है, 6ठा पद ज्ञात करना है, 7वां पद ज्ञात करना है और 8वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद होगा a प्लस 4d, 6ठा पद होगा a प्लस 5d, 7वां पद होगा a प्लस 6d और 8वां पद होगा a प्लस 7d बराबर 5वां पद निकालेंगे। प्रथम पद 2 + 4 × d = 1/2, 2 से 4 कटेगा 2 बार और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो यह आएगा 4। उसके बाद 6ठा पद निकालेंगे तो 6 बराबर होगा a प्लस 5d, a का मान 2 प्लस 5 × d = 1/2, तो ये होगा 2 + 5/2, तो इनका एलसीएम लेकर इन्हें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 4 + 5 = 9/2, हमें मिलेगा 9/2। इसके बाद इसका 7वां पद निकालेंगे a प्लस 6d, तो ये होगा a का मान 2 प्लस 6 × d = 1/2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5। इसके बाद 8वां पद निकालेंगे तो 8वां होगा a बराबर 2 a प्लस 7d, a का मान 2 प्लस 7 × d = 1/2, तो ये होगा 2 + 7/2, इनका एलसीएम लेकर अगर इन्हें जोड़ेंगे तो मिलेगा एलसीएम 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 और 7 और 4 को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा 11/2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, इसका प्रथम पद होगा a बराबर -1/2, सार्व अंतर सभी पदों के बीच में अंतर समान है, यानी पहला पद उसमें अगर 0 जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, फिर दूसरे पद में 0 जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, यानी कि सभी में अंतर जो है वो 0 है, सार्व अंतर 0 है। तो इसका जो तीसरा, इसका जो 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद और जो 8वां पद होगा वो सभी -1/2 होगा, -1/2, -1/2 और -1/2, क्योंकि सार्वंतर 0 है तो सभी में अगर इस श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो 0 जोड़ते जाएंगे इसमें तो मिलेगा -1/2, -1/2 और -1/2। क्वेश्चन नंबर 3, एपी दे रखी है a³ a³³ और a³⁴, तो हमें पता लगाना है कि क्या ये एक एपी है, और अगर ये एपी है तो इसके अगले 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो इसका जो प्रथम पद है वह होगा a, जो इसका प्रथम पद है वह a होगा। उसके बाद
इसका सार्व अंतर निकालेंगे डी, ये होगा ए टू माइनस ए वन। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है ए स्क्वायर, इसमें से पहले पद ए को घटाएंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर में से ए को घटाएंगे तो कॉमन मिलेगा दोनों में से ए, यहाँ बचेगा ए, यहाँ पर बचेगा माइनस वन, तो ये होगा डी का मान। अब इसके बाद डी टू निकालते हैं, ये तो होगा डी वन, अब निकालते हैं डी टू, तो डी टू बराबर होगा ए थ्री माइनस ए टू, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो ये होगा ए की घात तीन माइनस ए स्क्वायर, इनमें से कॉमन आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा ए और यहाँ बचेगा माइनस वन, तो यहाँ पर डी वन और डी टू दोनों अलग अलग है, यानी कि सार्व अंतर समान नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार दे रखा है, रूट तीन, रूट छः, रूट नौ और रूट बारह, आपको पता लगाना है कि क्या ये एक एपी है। तो इसका जो प्रथम पद है वह होगा अंडर रूट तीन, इसके बाद सार्व अंतर निकालेंगे डी वन, ये होगा रूट सिक्स माइनस रूट थ्री, रूट सिक्स होगा, इसको लिखेंगे गुणनखंड होगा इसका दो इंटू तीन माइनस रूट तीन, इनमें से कॉमन आएगा रूट तीन और यहाँ पर बचेगा रूट दो माइनस एक। इसके बाद निकालेंगे डी टू, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, रूट नौ माइनस रूट छः, तो ये होगा रूट नौ को लिखेंगे तीन इंटू तीन और माइनस रूट छः को लिखेंगे दो इंटू तीन, इनमें से कॉमन आएगा रूट तीन, यहाँ पर बचेगा रूट तीन माइनस यहाँ बचेगा रूट दो, तो डी वन नॉट इक्वल टू डी टू, अतः ये भी एक एपी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर पाँच, एपी दे रखी है रूट दो, रूट आठ, रूट अट्ठारह, रूट बत्तीस, इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो इसका जो प्रथम पद है वो होगा a बराबर रूट दो, इसके बाद हमें इसका सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर होगा d बराबर a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो रूट दो रूट आठ माइनस रूट दो, ये होगा रूट दो को लिखेंगे दो इंटू दो इंटू दो और माइनस रूट दो, इसमें से बाहर निकलेगा दो, यहाँ बचेगा रूट दो, ये होगा माइनस रूट दो। अब दो रूट दो में से रूट दो को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा एक रूट दो, इसके बाद ये तो होगा डी वन, हम निकालेंगे डी टू, तो इसके लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो ये होगा रूट अट्ठारह माइनस रूट आठ, और रूट अट्ठारह को लिखेंगे तीन रूट दो और रूट आठ को लिखेंगे दो रूट दो, ये इसके गुणनखंड होंगे, तो इसके बाद तीन रूट दो में से दो रूट दो को घटाएंगे तो हमें मिलेगा रूट दो, तो इस प्रकार से डी वन और डी टू दोनों समान है, यानी कि जो इसका सार्व अंतर है वह होगा रूट दो। अब निकाल लें हमें इसके अगले चार पद, तो इसका जो पांचवा पद है वह होगा a प्लस फोर डी, यानी कि a का मान तो रूट दो प्लस चार इंटू जो d का मान है वह होगा रूट दो, चार रूट दो और एक रूट दो इनको जोड़ेंगे तो ये होंगे पांच रूट दो, पांच रूट दो। इसके बाद इसका जो छठा पद है वो होगा a प्लस फाइव डी, ये होगा a का मान रूट दो प्लस फाइव रूट टू, तो फाइव रूट टू और रूट टू को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा छः रूट दो। इसके बाद इसका सातवां पद होगा a प्लस सिक्स डी, और ये होगा रूट दो प्लस छः रूट दो,
डी का मान रूट दो रखेंगे तो ये हो जाएगा 7√2। इसके बाद ए सेवन, ए एट होगा, ए प्लस 7d, ए का मान रूट दो प्लस 7 और डी का मान भी रूट दो, तो 7√2 और √2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8√2। अब उसके बाद 5√2 को, जब 5 को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा, 5 को अंदर लेते ही 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50, तो इसका मान होगा √50। इसके बाद 6√2 का मान होगा √72। 7√2 का मान होगा √98 और 8√2 का मान होगा √128। छोटा सवाल, इसमें एपी दे रखी है ए, 2a, 3a और 4a, तो इसका जो प्रथम पद होगा, जो इसका प्रथम पद होगा वो a होगा। इसके बाद इसका निकालेंगे सारवंतर, तो d1 बराबर होगा 2a माइनस a, यानी कि 2a में से a को घटाएंगे तो हमें मिलेगा a। इसके बाद d2 निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, तो 3a में से 2a को घटाएंगे तो हमें मिलेगा a, यानी कि जो इसका सार व अंतर है वो होगा a। अब जो इसका पांचवा पद है a5 बराबर होगा a प्लस 4d के, a का मान तो a प्लस 4 इंटू d का मान भी a, 4 और 1 ये हो जाएगा 5a। इसी प्रकार से a6 का मान 6a होगा, a7 का मान 7a होगा और a8 का मान 8a होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एपी दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222। इसका जो प्रथम पद है वो होगा a बराबर 0.2, जो इसका सार अंतर है वो निकालेंगे हम दूसरे पद में से माइनस करेंगे पहले पद को, तो ये होगा 0.22 माइनस करेंगे 0.2 को तो हमें मिलेगा 0.02। इसी प्रकार से ये तो होगा d2 निकालेंगे तो हमें माइनस करना होगा तीसरे पद में से दूसरे पद को, ये होगा 0.222, इसमें से घटाएंगे 0.2 को तो ये हमें मिलेगा 0.002। इस प्रकार से d1 और d2 दोनों अलग अलग है, इसका जो सार व अंतर वो समान नहीं है, इस वजह से ये एपी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, एपी दे रखी है 3, 3+√2, 3+2√2, 3+3√2। इसका जो प्रथम पद है वो होगा 3, सार व अंतर होगा डी बराबर 3+√2, इसमें से घटाएंगे 3 को तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा √2। इसके बाद इसका जो d2 है वह निकालेंगे तो ये होगा तीसरे पद में से 3+√2 में से 3+√2 में से घटाएंगे 3 माइनस 3 और -√2, दोनों माइनस की हो जाएगी तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और 2√2 में से √2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा √2। इस प्रकार से d1 बराबर है d2 के, ये दोनों का मान है √2, मतलब सार व अंतर समान है, तो इसका जो पांचवा पद है वो होगा a5 बराबर a+4d, a का मान यहाँ पर है 3 और प्लस 4 इंटू डी का मान है √2 तो ये होगा 3+4√2। इसी प्रकार से a6 का मान होगा a+5d, ये होगा a का मान 3+5 और d का मान √2। इसी प्रकार से a7 होगा a+6d, ये होगा 3+6d। इसी प्रकार से a8 होगा a+7d, ये होगा a का मान 3+7 और यहाँ पर आएगा d का मान, यहाँ पर d का मान रखेंगे तो d का मान होगा यहाँ पर तो आएगा 6√2 और यहाँ पर आएगा 7√2, तो ये 8 का मान होगा। इस प्रकार से सभी पद निकाल सकते हैं।